मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द वर्चुअल कंकर्न वाइल वर्किंग ऑन ऑनलाइन इन्वायरमेंट। कि आप जानते ही हो कि जब भी आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में काम करते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी आपके डाटा और इन्फॉर्मेशन से कंसल्ट होती है, और उसकी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट एट्स and keep the data safe is the critical task। कि आपने कह रहे कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका लिए भी यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो उनका डाटा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको वो सेफ ज़रूर रखते हैं ताकि कोई भी राइवल कंपनी उनके ऊपर उन पॉइंट्स को लेकर हावी ना हो जाए। इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड चैलेंजिंग नाउ अ डे। कि आज की डेट में जो इंटरनेट सिक्योरिटी है बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। एज वर्किंग इन अ नेटवर्क्ड एंड शेयर्ड एनवायरनमेंट हैज़ अराइज मैनी इंटरनेट सिक्योरिटी कॉन्सर्न सच एज डाटा प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशली इंटीग्रेटेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। कि आज की डेट में आप देखते ही हो कि जो इंटरनेट सिक्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। और इसी से कंसल्ट है कि हमें एक ऐसा नेटवर्क हम में है कि हम जो है ऐसे नेटवर्क में वर्किंग कर रहे हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो शेयर्ड है, मतलब कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ रखे हैं ना इंटरनेट की बदौलत। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अराइज होती हैं, तो उसमें से सबसे पहले यही चीज़ है कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर है कि नहीं है, इंटरनेट सिक्योरिटी है कि नहीं है। कह रहे हैं कि डाटा प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशली इंटीग्रेटेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सच ऑफ द डाटा, तो ये फीचर्स जो हैं होने बहुत ज़रूरी हैं। आपके आपकी प्राइवेसी होनी बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशली होना भी होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस लर्न अबाउट द थ्रस्ट कॉन्कर्न एंड प्रिवेंटिव मैनर्स टू कीप द इंफॉर्मेशन सेफ। कि आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हैं इन थ्रेड से जो भी हमारे पास आते हैं। करा थ्रेड्स क्या हैं? थ्रेड्स टू द इंटरनेट सिक्योरिटी, करा वायरस अटैक, स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स। कि आप थ्रेड्स के बारे में कि इतने वैरायटी में थ्रेड्स हैं हमारे यहाँ कि हमें पता नहीं है कि किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। तो वो कह रहा है कि आपके वायरस अटैक हो सकता है, आप स्पैमिंग फिशिंग हो सकती है, आपका हैकिंग हो सकता है इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ थ्रेड के अंदर ही आता है। क्योंकि थ्रेड टू द इंटरनेट सिक्योरिटी दैट मे लेट द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड करप्शन ऑफ द डाटा। लेट अस लर्न अबाउट थ्रेट ऑफ डिटेल्स, कि थ्रेट के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। और ये एक इंटरनेट सिक्योरिटी है जिसके थ्रू बहुत सारा डाटा जो है वो हम इंफॉर्मेशन खो सकते हैं अपना। सबसे पहले वायरस थ्रेड है। कहना था वायरस, द टर्म वायरस स्टैंड फॉर द वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइज, इसका फुल नेम है ये। कहता है कंप्यूटर वायरस इज सिमिलर टू अ बायोलॉजिकल वायरस, कि कंप्यूटर वायरस जो है वो बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही होता है। व्हेन अ बायोलॉजिकल वायरस अटैक यू इट मेक यू फील सिक, कि जिस तरह से एक बायोलॉजिकल जो अटैक होता है आपके ऊपर वायरस के थ्रू, तो उससे आप बीमार पड़ जाते हो। इट ऐसे ही आप बल्कि आपकी एनर्जी जो है नॉर्मली धीरे धीरे करके आपका जो आपकी एनर्जी जो है वीक होनी शुरू हो जाती है। आपको और पावर की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई मुझे काम करना है, बट यू कॉन्ट डू एनीथिंग दैट टाइम। इन द सेम मैनर कंप्यूटर वायरस भी ऐसे ही हैं, वो भी आपके कंप्यूटर के अंदर जब जाते हैं तो वो आपकी प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। इट इज़ मे ऑल्सो चेंज द वे ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग। और जब वायरस पूरी तरह से हावी हो जाता है तो वो आपके ओपनिंग, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो ना, ओपन करते हो, तो वो भी अलग तरीके से आपको शो करेगा और धीरे धीरे करके आपकी हर तरह की एक्टिविटी को वो स्टॉप करना शुरू कर देगा। थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर वायरस आर नाउ ऑपरेटिंग ओवर द इंटरनेट, कि हज़ारों की गिनती में वायरस जो हैं आपकी डेट में इंटरनेट में मिलते हैं। एंड न्यू कंप्यूटर वायरस आर रिलीज ऑलमोस्ट एवरी डे, और हर तरह के नए वायरसेस जो हैं
कई तरह के वायरसेज जो है हर दिन आते ही रहते हैं. कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन अ कंप्यूटर ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन अगेंस्ट योर विश. कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, मतलब ये भी प्रोग्रामिंग ही है कि जो कि आपके कंप्यूटर में लोड तो हो जाता है और आपकी विश हो या ना हो वो आपकी अगेंस्ट एक्टिविटी करना शुरू कर ही देता है. ए कंप्यूटर वायरस कैन ईजली अटैच इट्सेल्फ और अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम. कि कंप्यूटर वायरस जो है एक बहुत ही ईजी अपने आप को बहुत ईजिली अटैच कर लेता है आपके कंप्यूटर की फाइल्स और आपकी फाइल्स और सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है बहुत ईजिली. The data on the computer can be erased or corrupted by the virus present in a computer. कि जो कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होते हैं वो आपके डाटा को इरेज करना शुरू कर देते हैं और करप्ट करना शुरू कर देते हैं. ए वायरस may not be disruptive. Until the computer is shut down, most viruses stay active. कि जो वायरस हैं वो हमेशा आपके कंप्यूटर में रहते हैं, चाहे आप कंप्यूटर को बंद भी कर दो तब भी वायरस जो है वहाँ पर स्टे करते हैं. ऑन द शट डाउन द कंप्यूटर द वायरस इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी. और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं कि जब शट डाउन करते हो तो आपकी कंप्यूटर मेमोरी से हट जाते हैं, बट नॉट फॉर इन्फेक्टिंग फाइल एंड प्रोग्राम. कि कंप्यूटर की मेमोरी से तो हट जाते हैं लेकिन वो कहते हैं बट नॉट फ्रॉम द इन्फेक्टेड फाइल्स. आपकी जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ से वो हटते नहीं हैं. हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस अटैक आर स्प्रेड. कि किस तरह से कंप्यूटर वायरस अटैक करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इंटरनेट इज़ अ मेन फैक्टर है. इंटरनेट से आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, किसी ऐसी वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर इलीगल है, जहाँ पर आपको फ्लैश मैसेज आते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पर लकी ड्रॉ है ये है तो उसमें वायरसेस आने बहुत लाजमी हैं. खैर अगर आप कोई शेयरिंग म्यूजिक करते हो, फाइल करते हो, फोटोज़ करते हो, उसके थ्रू भी वायरस आ सकता है. फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पे जाते हो वहाँ से भी वायरस आ सकता है. अगर आपको अनवांटेड ईमेल्स आती हैं, स्पैम मेल्स, उनके अंदर भी वायरस हो सकता है. अगर आपको कोई फ्री गेम्स देता है, मीडिया पे देता है या कोई सॉफ्टवेयर देता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देते हैं तो उसमें भी वायरस आ सकता है. इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट रीडिंग लाइसेंस अगेंस्ट. तो अगर आप कोई मतलब कि कोई ऐसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो जो कि लाइसेंस अगेंस्ट हो, लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ने के बावजूद भी आप उसको डाउनलोड करते हो, मतलब कि उसमें लिखा भी हो सकता है कि हाँ भाई इट इज़ नॉट फॉर सेव ये है तो उसको भी अगर आप डाउनलोड करते हो तो भी आपके अंदर वायरस आ सकता है कंप्यूटर के अंदर. तो DVD से, पेन ड्राइव से, CD से वायरस आता है, इंटरनेट से वायरस आता है. तो ये सारी जगह है जहाँ से वायरस आता ही आता है. Once a virus has successfully attached the program, कि जब एक बार आपका जो वायरस है आपके सक्सेसफुली आपके प्रोग्राम के साथ, आपकी फाइल के साथ, आपके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके क्या कहता है उसको इनएक्टिवेट, इट विल बी रिमेन इनएक्टिव टिल द टाइम. उस वक्त तो वो एक्टिव नहीं रहेगा. द इन्फेक्टेड फाइल और प्रोग्राम इज नॉट रन, बट धीरे धीरे करके कहते हैं वो उसको इफेक्ट करना शुरू कर देगा और आपकी जो फाइल्स और प्रोग्राम्स हैं वो रन होना बंद हो जाएंगे. द वायरस अटैक damaging or affecting a computer when the infected file or program is executed on a computer. कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को, डैमेज प्रोग्राम को कंप्यूटर में रन करते हो, इन्फेक्टेड फाइल को रन करते हो तो वो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं, कंप्यूटर में चलना शुरू हो जाते हैं, फिर से चलना शुरू होते हैं. दिस मीन्स दैट अ वायरस कैन रिमेन इनएक्टिव ऑन अ कंप्यूटर विदाउट शोइंग मेजर साइन और अ सिम्टम. कि कंप्यूटर वायरस जो है आपके कंप्यूटर में रहता है, इनएक्टिव रहता है, लेकिन तब तक रहता है जब तक कि उसको कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब आपको पता भी नहीं होगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर फाइल है आपने नेट से डाउनलोड करी है, आप जब तक उसको ओपन नहीं करोगे तब तक वो वायरस ट्रिगर नहीं होगा. तो ऐसा ही है, आपके कंप्यूटर में वायरस होगा बट इट्स नॉट ट्रिगर व्हेन यू आर नॉट ओपन. और उसके जो सिम्टम्स हैं, साइन हैं, वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे. इसके अलावा है कह रहा कि वंस अ वायरस इफेक्ट योर कंप्यूटर द वायरस कैन इफेक्ट अदर कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क. कि अगर आपका कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट हो चुका है और आपका नेटवर्क के साथ वो कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर के साथ जुड़ रखा है तो वो कंप्यूटर भी इफेक्ट हो जाएगा. द वायरस कैन इफेक्ट अदर कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क, दूसरे कंप्यूटर को भी इफेक्ट करेगा. इट कैन हार्म बाय स्टीलिंग पासवर्ड एंड डाटा, लॉगिंग की स्टोक्स, corrupting file, spamming emails, contacts.
कि जैसे ही वायरस अटैक करेगा दूसरे पीसी में, तो वो भी उसके पासवर्ड को स्टिल चुराना शुरू कर देगा, उसके लॉगिंग जो लॉगिंग की स्टोक है उनको भी पकड़ेगा, और आपकी जो करप्टिंग फाइल है उनको भी करेगा, आपकी स्पैमिंग ईमेल्स हैं उनको भी करेगा। तो धीरे धीरे करके वायरस जो आपके कंप्यूटर में आ ही जाएगा। वायरस कैन बी स्पैन थ्रू ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज, अटैच्ड इंटरनेट फाइल डाउनलोड, सोशल मीडिया स्कैम लिंक्स एक्सेट्रा। कि वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ईमेल के थ्रू भी वायरस आ सकता है, टेक्स्ट जो फाइल आप डाउनलोड करते हो उसके साथ भी वायरस आ सकता है, इंटरनेट की फाइल से भी डाउनलोड करते हो, सोशल मीडिया की जो स्कैम लिंक्स होती हैं उनमें भी वायरस आ सकता है। आप कोई फनी इमेज ग्रीटिंग कार्ड और ऑडियो वीडियो फाइल डाउनलोड करते हो उससे भी वायरस आने की संभावनाएं होती हैं। हर्ट्स केस बाय द कंप्यूटर वायरस। ए कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम पीस ऑफ कोड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कंप्यूटर वायरस है एक तरह का पीस ऑफ कोड है। सम कंप्यूटर वायरस आर प्रोग्राम टू हार्म द कंप्यूटर बाय डैमेजिंग प्रोग्राम, डिलीटिंग फाइल और इवन रिफॉर्मेटेड द हार्ड डिस्क। कि कुछ वायरस इस तरीके से बनाए गए थे कि वो आपके प्रोग्राम को डैमेज करें, आपकी फाइल को डैमेज करें, और कभी कभी तो आपकी हार्ड डिस्क को भी रिफॉर्मेटिंग में कर दें। अदर कैन स्पेशली रिप्लीकेट देमसेल्फ टू फोल्ड अ नेटवर्क विद ट्रैफिक, एदर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर परफॉर्मिंग एनी इंटरनेट एक्टिविटी और मेकिंग द नेटवर्क रन वेरी स्लो। कि इस इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये भी काम होता है कि अगर आप एक बार वायरस अगर आपके अंदर आ जाता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो अब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट एक्टिविटी जो होती है ना वो स्लो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इवन लेस हार्मफुल कंप्यूटर वायरस कैन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब योर कंप्यूटर योर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग कंप्यूटर मेमोरी एंड कॉस्ट, रिक्वायर कंप्यूटर क्रैशेस। कि डेफिनेटली अगर कोई नॉर्मल वायरस भी अगर आपके कंप्यूटर में आता है तो धीरे धीरे करके वो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कम कर देगा, आपका मेमोरी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर भी आपकी बहुत सारे वायरस आ जाएंगे। तो वो जगह आपकी, मान लो कि आपके पास अगर 500 GB की हार्ड डिस्क पड़ी है, तो अगर वायरस आ गया तो धीरे धीरे करके आपकी जो GB है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको लगेगा कि आपकी फाइल भर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा स्टोर नहीं होता है, वो वायरस होता है वो। तो इसी तरीके से आपकी जो कंप्यूटर है वो क्रैश हो जाएगा किसी ना किसी दिन। सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कि इसके सिम्टम्स क्या हैं कंप्यूटर वायरस के, तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। कि अनयूजली मैसेज स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन वाइल वर्किंग। जब भी आप काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे अननेसेसरी मैसेज आपको आने शुरू हो जाएंगे। द कंप्यूटर टेंड द रन स्लो देन द नॉर्मल, नॉर्मल स्पीड जो होगी होती है उससे स्लो होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो डिस्क की जो स्पेस है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन है ओपन होने में बहुत टाइम लगाएगी आपको। फाइल्स ऑन द कंप्यूटर स्टार्ट मिसिंग एंड वैनिश, कि कुछ फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, और कुछ फाइल आपकी मिसिंग, मतलब कि मिसिंग भी होनी शुरू हो जाएंगी। द हार्ड डिस्क एंड हैव मोर फाइल देन इट इट हैज़ अर्लियर, कि आपके हार्ड डिस्क में वो ऐसा दिखाएगा कि आपके आपके पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं पहले से भी ज़्यादा। कंप्यूटर स्टार्ट रिबूटिंग, कंप्यूटर अपने आप रिबूटिंग करना शुरू कर जाएगा, और कंप्यूटर फ्रीज होना भी शुरू हो जाएगा, स्टॉप बार बार रुकना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर कभी कभी रीस्टार्ट भी करेगा अपने आप को, कभी कभी आपके जो कीज़ होंगे वो चलना बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, और आपके आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डायलॉग बॉक्स अपीयर करने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे मेन्यूज अपीयर करने शुरू हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं उसके। ना टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, किस तरह के कंप्यूटर वायरस आपके यहाँ पर आते हैं। तो देर आर मैनी काइंड ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, बहुत सारे वायरसेस यहाँ पर हैं। देर इन्फेक्ट कंप्यूटर इन डिफरेंट वे, हर तरह से कंप्यूटर को इफेक्ट करते हैं, वो अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, अलग अलग वायरस हैं ये। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस अलॉन्ग वेयर देयर डिस्क्रिप्शन दैट कैन बी हार्म द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर। कि आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये आपके डाटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को, आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। सबसे पहले आपका आता है रेजिडेंटल वायरस। रेजिडेंटल वायरस क्या है, दे आर प्रिमेंट वायरस दैट रिसाइड इन अ रैम ऑफ सिस्टम। कि ये एक ऐसे वायरस हैं जो कि रैम सिस्टम में आपको दिखाई देंगे। दे कैन इंटरफ्री एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कि ये आपके जो नॉर्मल वर्क ऑफ कंप्यूटर होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। दे कैन करप्ट फाइल एंड
करंटली यूज एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर, कि ये जो आप आपकी फाइलों को करप्ट करेंगे और जो आप करंटली एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे ना उसको भी वो खराब करेंगे. सम एग्जाम्पल ऑफ ईच वायरस, इस तरह की जो वायरसेस आते हैं रेजिडेंटल वायरस जो हैं, आपके कुछ नाम यहाँ पर दे रखे हैं, वन हाफ है, मैजिस्ट्रिक है, जंकिंग है एंड स्टैंडबग है, ये कुछ नाम दे रखे हैं, जेरूसलम भी है इसमें. नॉन रेजिडेंटल वायरस है, दे आर सिमिलर टू द रेजिडेंटल वायरस, ये भी रेजिडेंटल वायरस की तरह ही होते हैं. दे डू नॉट रिसाइड इन द रैम ऑफ द सिस्टम, कि ये रैम के इनसाइड नहीं होते हैं, रदर दे रिसाइड इन द मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के मॉड्यूल में आपको दिखाई देंगे. इट मे सिलेक्ट वन और मोर फाइल टू इन्फेक्ट, ये एक या एक से ज़्यादा फाइलों को इन्फेक्ट करते हैं ईच टाइम द मॉड्यूल इज रिड्यूस एग्जीक्यूट, कि जब भी आप किसी मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करते हो तो वो एक या एक से ज़्यादा फाइलों को फाइल को डिलीट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको इन्फेक्टेड करेंगे. आगे आपका प्रोग्राम वायरस है, कहता दिस इन्फेक्ट द फाइल एंड एग्जीक्यूट एक्सटेंशन डॉट ई एक्स सी डॉट कॉम डॉट सी एल एस वाई एस, कि ये जो प्रोग्राम वायरस होते हैं ये इस तरह के वायरस हैं जो कि आपकी सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं उन सबको हार्म करते हैं. तो ये देखो जितनी भी यहाँ पर एक्सटेंशन लिखी हुई है ना, इन सारी एक्सटेंशन को वो हार्म करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं. द प्रोग्राम फाइल इज आर यूज बाय द कंप्यूटर एज दे आर इजी टू अटैक एंड दे हैव सिंपल फॉर्मेट टू विच द वायरस कैन अटैच इटसेल्फ, कि ये बहुत ही जो ये जो जो फाइल्स डिलीट करता है इन्फेक्ट करता है, कहता है ये बहुत ही सिंपल फाइल्स होती हैं, मतलब आप जब वायरस अटैक होता है तो वो क्या करता है, इन फाइलों के इन इंस्टेंशन वाली फाइलों के साथ वो जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद अपनी फाइल धीरे धीरे करके उसको करप्ट करना शुरू कर देता है. व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, कि जब भी आप किसी एग्जीक्यूटेड फाइल इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वायरस बिकम एक्टिव, और वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ द वायरस है संडे एंड कैशकेट, कि कुछ एग्जाम्पल संडे और कैशकेट जो हैं इस तरह के वायरस हैं जो कि आपकी प्रोग्राम फाइल्स को डिलीट करते हैं. माइक्रो वायरस है, माइक्रो लैंग्वेज इज़ यूज इन द माइक्रो वायरस, माइक्रो लैंग्वेज जो है वो माइक्रो वायरस के लिए यूज़ की जाती है फॉर इट्स प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए. इट इज़ सेट ऑफ कमांड रिटर्न बाय द यूज़र टू बी एग्जीक्यूट लेटर, कि यहाँ पर एक सेट ऑफ कमांड लिखी जाती है जो कि यूज़र के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है बाद में. डेटा फाइल आर अफेक्टेड बाय देयर वायरस, इसमें डेटा फाइल जो है इफेक्ट होती हैं इस वायरस के द्वारा. माइक्रो वायरस स्प्रेड rapidly since the user share the infected file, कि ये user जो है infected file को जब तक share करता रहेगा ये virus जो है चलता रहता है. example क्या है इसकी, concept and nuclear, ये दो viruses के नाम है इसके अंदर. trojan horse है for passing the user data to someone else, कि अगर कोई user अपना data एक जगह से दूसरी जगह shift कर रहा है, the virus is used, this virus is used, इस virus का use किया जाता है. It is a program which appear to a useful, ये जो program है एक useful program माना गया है. Confidential information is stolen and press passed using this virus, कि जो कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है इज स्टिलन एंड पासवर्ड पास्ड यूजिंग द वायरस, के ट्रोजन हॉर्स एंटर द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ यूज़र, कि यूज़र के द्वारा ही ट्रोजन हॉर्स जो है आपके कंप्यूटर में दाखिल हो पाता है. द यूज़र इंस्टॉल इट अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन दैट इज़ द यूजफुल एंड हार्मफुल प्रोग्राम, कि यूज़र जो है इसको इंस्टॉल तो कर लेता है लेकिन मेन ये है कि ये यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह से है, मतलब वो उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से इसको यूज़ कर रहा है. मालवेयर है, इट रेफर टू द प्रोग्राम वेयर विच हार्म द कंप्यूटर, कि ये एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करता है. एंड कम इन टू द कंप्यूटर विदाउट द यूज़र कॉन्सेंट, कि कंप्यूटर यूज़र की नॉलेज के बिना ये कंप्यूटर के अंदर आ जाता है. मालवेयर इज अ शॉर्ट नेम ऑफ मेलिकिस सॉफ्टवेयर, इसका नाम है इस सॉफ्टवेयर का, जो नॉर्मली इसका मालवेयर का जो शॉर्ट नेम है शॉर्ट नेम हुआ है वो मेलिकिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ है. इट्स स्लो डाउन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क, ये आपके नेटवर्क और कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है. इट इज एक्टिवली डिस्टर्बिंग द
एंड एनोइंग, ये आपको जो नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है उसके लिए बनाया गया है, मतलब कि आपके मालवेयर जो है आपके कंप्यूटर और नेटवर्क से कंसल्ट है तो इसके लिए इनको स्लो डाउन करता है ये। स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर इज अ काइंड ऑफ मालवेयर दैट इज सेंड टू द समवन कंप्यूटर सीलिंग इन्फॉर्मेशन सच एज ईमेल पासवर्ड एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड। कि स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो कि मालवेयर की तरह ही है, जो कि सेंड किया जाता है दूसरे कंप्यूटरों के अंदर ताकि आप उनके ईमेल पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पासवर्ड्स को आप पता कर सको। व्रोम है, करेक्ट, इट इज़ अ वायरस, इज वायरस इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ कैपेबल टू रिप्रोड्यूसिंग एंड स्पेंडिंग इटसेल्फ टू द अनदर कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कि ये जो वॉर्म है ये भी एक तरह का वायरस ही है जो कि अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है शिफ्ट हो जाता है, वो भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर आपस में जुड़ रखा है। दिस टाइप ऑफ वायरस डज नॉट कॉज डायरेक्ट डैमेज टू द फाइल एंड द प्रोग्राम। कह रहा है ये आपके जो वायरस होता है ये डायरेक्टली आपकी फाइल्स और प्रोग्राम को डैमेज नहीं करता है। कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड नेटवर्क इज़ यूज्ड बाय दिस वायरस। कि इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी और नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, ये वायरस जो इसी का यूज़ किया जाता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू वर्क ऑन द नेटवर्क। कि अगर वो नेटवर्किंग का काम कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा इस वायरस की बदौलत। बूट वायरस है, द बूट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ड डिस्क इज इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। कि इसका बूट का मतलब है कि अगर वो आपकी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट कर देगा तो आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। दिस वायरस इज मोर डेंजरस देन द प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस से ज़्यादा डेंजरस इसको माना जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस वायरस आर डिस्क किलर एंड स्टोन वायरस, ये उनके नाम हैं जो कि बूट वायरस के अंदर आते हैं। स्पैमिंग है, अनवांटेड ईमेल्स, अगर आपको कमिंग इन द ब्लॉक फ्रॉम द स्ट्रेंजर एंड अननोन सोर्स इज कॉल्ड स्पैमिंग। कि अगर आपको कहीं अननोन सोर्स से या किसी ऐसी जगह से आपको ईमेल्स आ रही हैं, अनवांटेड ईमेल्स आ रही हैं, उन्हें हम स्पैम कहते हैं। स्पैमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग सेम कॉपी ऑफ ईमेल इन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। कि वो स्पैमिंग में क्या होता है कि उन्होंने आपकी ईमेल आईडी को एक जनरेट कर रखा होता है और वो आपको क्या करते हैं, एक ही दिन में 15-15, 20-20 मेल जो हैं वो भेजना शुरू कर देते हैं। और ये जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब कि हर तरफ है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में काम करती हैं। यूजली स्पैम्स आर सेंट विद द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल एजेंसीज। कि ये जो स्पैम मेल्स होती हैं मोस्टली ये एडवर्टाइजमेंट वाली जो वेबसाइट्स होती हैं या आपकी कमर्शियल एजेंसीज होती हैं वो ये भेजती हैं। बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ थ्रेड और मोस्ट स्पैम आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट वायरस वोम स्पाईवेयर एक्सेट्रा एंड इवन ऑर्गेनाइज टारगेट फिशिंग अटैक। कि ये मोस्टली किस लिए किया जाता है कि देखो ये भी आपके कहते हैं फिशिंग अटैक की तरह ही है कि वो आपके कंप्यूटर में भेज देते हैं ताकि वो आपके डाटा को स्टीलिंग कर सके, चुरा सके। ठीक है, मेन काम यही है इनका। आगे फिशिंग आता है, कहते हैं फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड इन विच द अटैकर ट्रीट्स टू स्टिल और टेक आउट इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिंग क्रेडेंशियल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन। कि फिशिंग जो है एक ऐसा कहता है एक फॉर्म ऑफ फ्रॉड का ही है जो कि अटैक करते हैं, आपकी स्टिल करते हैं, चुराते हैं इन्फॉर्मेशन को। जब आप कोई लॉगिंग करते हो अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन को, अगर आप लेकर चलते हो ना कि हाँ भाई अपना बैंक डिटेल्स वगैरह डालते हो, तो उस तरह की अगर आपको फिशिंग आपकी डाटा लॉस्ट हो रहा है तो फिशिंग के थ्रू ही हो रहा है। कह रहा है एन अटैकर प्रिटेंड टू बी अ रिप्यूटेबल एंट्रीज और अ पर्सन इन द ईमेल एंड सेंड अ ईमेल टू गेट द पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट डेबिट कार्ड पासवर्ड बैंक डिटेल्स। कि वो इस तरह से एक फॉर्मेट बनाकर देते हैं जिससे वो आपकी पर्सनल और बैंक डिटेल्स वगैरह जो हैं आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टीलिंग कर सकें। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं वो फिशिंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा है इन
In case of phishing attack, a victim receive a message that is appear to his being sent by the known content or organization. कि जो अगर phishing का कोई attack होता है तो victim जो होता है वो एक ऐसा message receive करता है कि वो appear करता है screen के ऊपर कि जैसे कि वो किसी organization या किसी content के known content के through आ रखा है and attach a link or a message may install malware on the user device or direct them to malware website, set up the trick them into divulging personal and financial information such as password, account ID, credit and debit card. कि वो कुछ इस तरीके से अपनी फाइल्स को बनाते हैं, इंटरलिंक करते हैं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर से कंसल्ट इंस्टॉलेशन करते हो और या फिर आप उनकी कोई फाइल को ट्रिगर करते हो, ट्रिक करते हो, तो वो जब आप इंफॉर्मेशन डालते हो तो वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, क्रेडिट का आईडी, अपना अकाउंट आईडी, अमाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को वो चुरा लेते हैं. तो ये भी आपका फिशिंग के अंदर ही आता है. ई शॉप स्पूफिंग कह रहा है, सॉरी, ई मेल स्पूफिंग. ई मेल स्पूफिंग इज अ of email header so that the message appear to his organized from someone or somewhere other than the actual source. It is occurs when imports are able to deliver emails by alternating email sender information. Both dishonest advertise and outright thefts such use these tricks. These malware's motive behind that they can use spending or attempt to gain personal banking information. They spoof sending out email with a falsified from link line to try to trick victim into the believing that the message is booby friend, her bank or some other legitimate source. Any email that ask for the password or any other information could be tricked. कि स्पूफिंग का भी यही बोला गया है कि ये भी एक तरह का एक ऐसा विक्टिम कार्ड यूज़ करते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको मैसेज कन्वे करवाते हैं ताकि वो आप जो भी कोई मेल आपको मिले आप उस मेल को ओपन करें. ओपन करने के बाद वो क्या कहते हैं, आपके उसके अंदर कोई फाइल्स अगर होंगी तो वो फाइल के हिसाब से मान लो अभी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं या आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह. तो ऐसी कुछ थिंग्स जो हैं वो आपको आती हैं, आप उसमें डिटेल्स वगैरह भरते हो तो वो चुरा ली जाती हैं. मतलब आपको कोई भी अनवांटेड ईमेल्स आती हैं जिनको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, या कोई भी ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी ईमेल्स को, ऐसे लिंक्स को अवॉइड करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो चुराई ना जा सके. इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है. बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.